गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग अभी भी एक्सरसाइज 12.3 में चल रहे हैं। एनसीईआरटी का ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले प्रश्न को समझते हैं। एक दौड़ने का पथ है, रेसिंग है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। बच्चों, आप किसी फील्ड में जाते हो और ये आपका ऐसे और ऐसे है फील्ड है, ठीक है, और ये अर्धवृत्तकार है। आप फिगर देख रहे हो, ये अर्धवृत्तकार है, देखो अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्तकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंड के बीच की 60 मीटर की लंबाई, बीच की दूरी कितना है, 60 है। तो दोनों बीच की दूरी 60 है, तो दोनों के मतलब हुआ प्रत्येक रेखा खंड 106 मीटर लंबा है। बच्चों, जो 6 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता के मतलब एक ही हुआ, एक ही एक रास्ता है, इधर से भी एक रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता में यहाँ से मुड़ते हैं तो ई एक बना दिया और एक, तो आपको दिख रहा है कि दो अर्धवृत्त बन रहा है। आप अगर इसको मिटा दिया जाए, फिर से किया जाए, यह देखिए दो रास्ता है, ये रास्ता जो जुट रहा है वो अर्धवृत्ताकार जुट रहा है, देख रहे हैं, ये अर्धवृत्ताकार जुट रहा है, ये अर्धवृत्ताकार जुट रहा है रास्ता। अब इसी को पहला करा कि किनारों का नदी से पूरा चक्कर लगाने में चले गए दूर, तो किनार पूरा चक्कर, तो किनारा से अगर यहां से चला और यहां पर आया, या यहां से चला, यहां से चलना शुरू किया और फिर यहां पर आया, तो कहने का मतलब है, आप इसको समझिए, क्या आपको समझाएं, जैसे देखिए अगर ये किताब है तो ये रास्ता पर ऐसे चल रहा है, ऐसे करके किनारे चल रहा है, ठीक है, बीच में नहीं चल रहा है, तो किनारे तो उसका पहले निकालेंगे हम लोग, तो एक चक्कर लगाने में, तो चक्कर लगाने में क्या हो जाएगा कि ये इसके ऐसे से चल रहा है, ठीक, एक चक्कर लगाने में कितना समय, तो किनारे से कह रहे थे, यहां से ऐसा रास्ता होता है ना, तो किनारे से ऐसे चल रहा है, समझ गए, ऐसा है कि आप समझ गए होंगे। जैसे बुक से ही देखते हैं, जैसे ये बुक है तो ये ऐसे किनारा है, तो एक रास्ता ऐसे चल गया यहां से और बीच से फिर ऐसे रास्ता, तो ऐसे हो गया कि यहां से ऐसे किनारा हो गया और ये बीच से ऐसे रास्ता, तो किनारा वाला रास्ता सब समझ गया होंगे। तो अब देखिए किनारा वाला रास्ता से यहां बी बी से सी, सी से डी, नाम क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो नाम हम लोग रखे ए बी सी डी, नीचे वाला को रख दिए ए बी और सी और डी, तो ऊपर हो जाएगा ई एफ जी एच, ई एफ ई एफ जी एच। हमें निकालना क्या है, पहला एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाना है बस। तो अब देखिए बच्चों, इसमें टोटल बीच की दूरी कितना है, यहां से लेके ये फिगर में देखते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी 60 मीटर है, यहां से जिसमें ये 10 मीटर का रोड है, इधर भी 10 मीटर का रोड है, इधर भी 10 मीटर, एक चक्कर लगाएंगे ना ऐसे गोल से घूमेंगे, तो 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर का गोल है। अब हम लोग को निकालना है, और बीच की लंबाई ई 106 दिया है, तो नीचे भी 106 और इधर भी 60 है, इधर भी 60 और ये 60 थी, 10 मीटर का रोड है चौड़ा। अब उसको पूरा चक्कर लगाना, तो आदमी यहां से चलेगा तो पहले तो 106 मीटर जाएगा, फिर अर्धवृत्त का चक्कर लगाएगा, फिर 106 मीटर जाएगा, फिर अर्धवृत्त। इसमें क्या हो रहा है, दो चीज, एक तो ये अर्धवृत्त 106 मीटर चल रहा है, फिर एक अर्धवृत्त फिर 106 मीटर चल रहा है, और दूसरा अर्धवृत्त यहां पर पहुंचेगा ना। पूरा एक चक्कर का मतलब क्या होता है, जहां से चला वहां पर वापस आना, यहां से चलेगा यहां पर वापस आ गया, तो पहला क्या है 106 मीटर, तो पहला का आंसर में पहला क्या चलेगा 106 मीटर चलेगा ना, प्लस क्या चलेगा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा परिमाप, प्लस
फिर 106 यहां से चला, फिर अर्थ वृत्त आया फर्स्ट, फिर 106 चला और फिर अर्थ वृत्त चला सेकंड, ठीक है, प्लस 106 प्लस फिर दूसरा अर्ध वृत्त का परिमाप। तो बच्चों अर्ध वृत्त का परिमाप हमने क्या पढ़े थे, कुछ याद है? हमने थ्योरी में आपको बताए थे अर्ध वृत्त का परिमाप होता है, बताए थे अर्ध वृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस टू आर, मतलब पाई आर प्लस टू आर। लेकिन यहां पर ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये सीखिए। वो जो आदमी है यहां से चल के यहां चल गया, उसको त्रिज्या से मतलब नहीं है, वो आदमी सिर्फ यहां से, अगर इसी फिगर को ऐसे बना दे बच्चों ऐसे करके ये गुण, तो आदमी यहां से चल के यहां चल गया, इससे कोई मतलब उसको नहीं है। तब हम लोग फॉर्मूला खड़े लगाएंगे पाई आर, क्योंकि पाई आर लगाएंगे टू आर, त्रिज्या से उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो आदमी यहां से चला और यहां तक चल गया, न कि वो आदमी अकेले आया, उससे मतलब नहीं है। तो अगर यहां से चलता त्रिज्या को पूरा करता है व्यास को तब होता, तो खाली आदमी ऐसे आया यहां से चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया और सीधे चल गया, क्या वो ये बीच में आया, तो बीच में वो नहीं आया, ये बीच के रास्ता से उसने ऐसे ऐसे चलते 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 यहां पहुंच गया, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है, बस यही समझना था। तो 106 दो को है तो क्या लिखेंगे, 106 प्लस 106 दो को, इसलिए सॉल्यूशन अर्धवृत्त का परिमाप तो क्या हो जाएगा पाई आर, टू नहीं जोड़ेंगे, टू नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो त्रिज्या कवर नहीं कर रहा, ऐसे चल रहा है तो ऐसे चल के यहां से चल गया, ना कि इसको ऐसे पूरा कवर किया, वैसे चलते चल गया ऐसे बना दिया, समझ गए? अब ऐसा है कि अब समझ गए होंगे, जैसे वो आया ऐसे ऐसा जगह ना, तो बीच से ही आदमी ऐसे चलते चल गया, आदमी बीच से ऐसे चलते चल गया और फिर यहां पर वापस आ गया, तो इसको इससे कोई मतलब है नहीं ना, इसीलिए टू आर की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे अर्थवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस टू आर का, जब यहां से चलता अब पूरा त्रिज्या कवर करते, या यहां से चलता ऐसे आता त्रिज्या व्यास होते हुए फिर यहां जाता तो टू आर रहते, ऐसे टू आर नहीं लेते। अब बच्चों अर्धवृत्त के परिमाप क्या हुआ है दो को, इसलिए दो को लगा दो, तो कितना हो गया ये 212 प्लस 2 22/7 त्रिज्या निकालो, और कितना है अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का दो को त्रिज्या हो जाएगा ना, ये बीच से जा रहा है तो यहां पर है टोटल 60, टोटल क्या है 60, तो 10 इधर से घटेगा 10 इधर से घटेगा, तो बच्चे क्या क्या 40, तो ये पूरा ना कर रहा है 20 से ना, तो 60 ही क्या है पूरा एक तरह का व्यास है, जैसे देखिए अभी समझ गए होंगे, तो ये देखिए ऐसे करके ऐसे अर्धवृत्त है। अब बच्चों ये टोटल जो है 60 है, तो टोटल क्या है 60 है, तो 60 देखो तो क्या हो रहा है, अगर ये एक वृत्त है तो वृत्त का क्या हो गया बच्चों व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 30, तो यहां पर लिख देंगे 30। अब काटो, काट कूट करो, तो काट कूट करने के बाद ये 212 प्लस 44 गुना 30 बटा 7, 212 44 को 30 से गुना करो 0 12 के 1 12 के 13 1320 बटा 7। अब इसको भिन्न का जोड़ कर दो, भिन्न को जोड़ करने के बाद हम लोग के पास जो आएगा वो आएगा भिन्न का जोड़ कर दो ना, तो इसको भागा करके जोड़ दो, बात एक ही होगा, भागे करके जोड़ सकते हैं भिन्न का जोड़ लो, तो एक भिन्न का जोड़ करेंगे तो 7×14 के 1 7×8 7×14 प्लस 1320 बटा 7। अब खुद करो, अब 1400 1300 2800 2804 कितना हो जाएगा 2800 जोड़ लो 4×4 8×2×10×1 4×3×7×8 1×2×2800 4×7। अब इसको डिवाइड करो,
डिवाइड करने के बाद 27 भाग देना तो बच्चों आ जाएगा 405 सेंटीमीटर। वो आदमी चला। स्क्वायर इसलिए नहीं करेंगे कि वो क्षेत्रफल नहीं है, वो क्या है, परिमाप है। क्या है? परिमाप। यहां से व्यक्ति चला इस रास्ता से, अब ऐसे 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 चलते गया दौड़ते हुए या टहलते हुए यहां पहुंच गए, इसलिए इसको चलने से इसका कोई मतलब नहीं है। पहला प्रश्न कंप्लीट। अब कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल, उस पर आगे चलते हैं। पहले इसको आप लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब कह रहा बच्चों रास्ता का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन का हो गया इसलिए इसको हटा देते हैं। रास्ता का क्षेत्रफल तो आप फिगर में ही समझिए, रास्ता किसे कह रहे थे, जो आदमी चल रहा था। जैसे ये रास्ता ना हो गया, यही ना रास्ता है, और रास्ता हुआ कितना है, इधर से 10 है, इधर से भी 10 है, यही रास्ता का क्या निकालेगा रहा है, क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल पहले अगर कह रहे थे, ये देखो तो एक आयत बन रहा है, नीचे भी एक आयत बन रहा है, मतलब एक ऊपर आयत है ये रास्ता ही ना, एक नीचे आयत बन गया, और दोनों आयत है जो अर्धवृत्त से ऐसे करके जुड़ा हुआ है, देखो तो है बन गया, इधर भी अर्धवृत्त से क्या है जुड़ा हुआ है, देखो रास्ता बन गया। अब ये टोटल क्या था बच्चों, टोटल हम लोग ही पढ़े 60, टोटल कितना था ये 60 मीटर, ये कितना है 10, ये कितना है 10, तो 10-10 ऊपर से हट गया, 10 ही हट गया, हटा दो 10, और 10 ही हट गया, तो कितना हट गया 20, तो ये बचा कितना 40। हम ये क्यों निकाले, छोट का वृत्त का त्रिज्या 40 और बड़ का वृत्त का त्रिज्या 60, मतलब इसका ऐसे है तो 40, और ये बड़का ऐसे खींचा है तो उसको कितना हो गया 60, क्यों, क्योंकि 10 रास्ता भी इसका जुट गया, 10-10 20-40, तो ये व्यास ना हो गया, तो ये छोटका वृत्त का व्यास 40, सॉरी बड़का वृत्त का व्यास 60, तो छोटका का, छोटा का 40 हो गया डी, और बड़ा का व्यास कितना हो गया 60। अभी बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो ऑलरेडी बीच वाला जाएगा, और हमको बीच का ही क्षेत्रफल निकालने का है, तो बड़का का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक आयत को जोड़ेंगे दोनों में से, एक आयत प्लस अर्धवृत्त, एक आयत प्लस अर्धवृत्त, छोटका भी क्या करेंगे छोटा वृत्त का निकाल लेंगे। तो चलते हैं शुरू में, अर्धवृत्त कितने हैं 2, आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आया, अब बनाने के तरीके में चलते हैं। तो क्या आयत है 2 गो, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा था, ए बी सी डी का क्षेत्रफल है ना, आगे वाला ऊपर वाला आया नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, और कितना अर्धवृत्त है बच्चों 2, बड़ा भी 2 और छोटा भी 2, यहां से हटाएंगे तो बड़ा का भी देखो 2, बड़ा वाला भी 2, ये छोटा वाला भी 2, ये भी है इधर भी है, खींच देंगे तो इधर भी है इधर भी है, दोनों बड़ा तो घटाएंगे जोड़ प्लस इसका कितना 40 है ना, तो दोनों में दूसरा ना करेंगे बड़ा में भी और छोटा में, तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, खाली क्या निकाल घटाना है हमको, इसको में से ना इसको तब नहीं बीच का आ जाएगा, बाकी थी तो है ही है, इसको तो हम अलग अलग छाट ही दिए, इसको आयत बना के अलग कर दिए, ये बोला तुम भाई साइड हो जाओ, हम इसको आयत बना के, आप लोग प्रश्न समझ गए, इसको आयत बना के बोले तुम अलग हो जाओ तुमको कोई मतलब नहीं है, जोड़ दिए तुम अलग हो जाओ तुमको कोई मतलब नहीं, अब मतलब है बस ई वाला को, इसके इससे मतलब है, मतलब क्या है इसको इससे, ई वाला अलग आयत को हटा दो, चलो हट गया ऊपर से हटा दो आयत को, हट गया, अब मतलब क्या है इसके इसके बीच से, ये छोटका वृत्त से और ये बड़का
बीच से मतलब है, तो बड़का में से छोटा घटाएंगे, तो एक और 40 सेंटीमीटर वाला आठ फीट का क्षेत्रफल दो होने का दिया माइनस 30 सेंटीमीटर वाला आठ फीट का क्षेत्रफल, एक बार और वीडियो दो बार इसको देखिएगा तो शायद समझ में आएगा क्योंकि आपको ये हार्ड लग रहा होगा। अब दोनों की हार्ड दे, अब एबीसीडी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लो, तो कितना हो गया इसका लंबाई कितना है आयत का, ई लंबाई हो गया 106 और चौड़ाई क्या है रास्ता 10 ना, ये आयत अलग ना है गुना 10, फिर नीचे वाला के भाई लंबाई कितना है 106, चौड़ाई कितना बच्चों इधर से इधर 10, लंबाई में चौड़ाई लंबाई में चौड़ाई जोड़ दो दोनों में गुना कर दिए 40 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस इसमें भी होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, अब 100 कितना हो गया 1060 प्लस 1060 कई तरह से गुना कर सकते कॉमन लेके भी प्लस 22 बटा 7 एगो का त्रिज्या कितना है 40, कैसे 40 हुआ अभी के ये कंफ्यूजन मत होइए। तो पहले देखो रास्ता 10 है और यहां से 30 है, तो 30 से 10 40 बड़का का, तो छोटका का क्या होगा 10 घट ही ना जाएगा तो 30 ना होगा, आया समझो जैसे देखो ई है और ई है, टोटल कितना था 60, 60 में से रास्ता 10 गया था कितना आ गया इधर 10 इधर 10, ई कितना था तो यहां पर टोटल क्या है 60, अब छोटा के रोड के साथ कर रहा है तो ई 40 में से ई बचा 30, तो 10 क्या करेंगे 40, जैसे यहां से ही निकला तो 30 त्रिज्या ना है, यहां से त्रिज्या कितना है 30 और 10 इन्हें जोड़ा था क्या हो गया 40, और टोटल के क्या जोड़ेंगे यहां से 30, ठीक है। अब यहां देखिए अगर ना समझ में आएगा तो फिर से बोलिएगा, 22/7 गुना सॉरी कितना सेंटीमीटर का था 40 गुना 40 माइनस 22/7 गुना 30 गुना 30 गुना भाग किया जाए कौन कौन कट रहा है कोई नहीं, तो ये 1060 कितना हो जाएगा 0.12 के एक 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 दो 2120 प्लस 22/44 40 × 40 1600 माइनस 22/7 अच्छा दो से पूरा में है ना, दो से गुना पूरा में है, लेकिन एक चीज गलती कर रहा है पाई आर स्क्वायर बटा 2 ना होता है तो 2 छूट गया, 2 पहले भी लिखेंगे ना गुना 2 7 गुना 2 कर दो या 2 गुना 7 कर दो बात एक है, इसमें भी क्या होगा 2 गुना 7 2 2 कॉमन लेंगे तो इसको कट जाएगा 2 2 से कोई मतलब नहीं है, तो 2120 प्लस 2 2 कट गया तो 22/7 4 चौके 1600 माइनस 22/7 3 × 900 अब कॉमन ले लो 22/7 को और 1600 में 900 को घटा दो काला गुना का 1600 में 900 को घटा दो तो कितना आ गया 2120 22/7 1600 में 900 घटाओ 700 अब सॉल्व करो आ जाएगा 2120 प्लस 22/7 गुना 700 गुना में तो या तो क्या कर देंगे 100 2120 प्लस 2200 तो कितना हो गया 2120 तो 0 जोड़ दो 2120 और 2200 2 2 1 3 4 4320 आ गया आपका आंसर। तो बच्चों इस मैथ में क्या है थोड़ा समय लगा आपको, ये 40 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो अर्धवृत्त कह रहा था टोटल 60 था, अगर इसका त्रिज्या कितना होगा 30
छोटका का 30 और बड़का का एक ही तरफ से ना 10 लेंगे तो क्या होगा 40, या तो इधर लेंगे या तो इधर लेंगे, इधर लिए तो 40 ऊपर ले चाहे आगे ले, इसीलिए का 30 हो गया का 40 हो गया। ठीक है, तो बड़का में से ना छोटका घटाएंगे, बड़का में से छोटका, तो टोटल यहां से यहां, यहां से यहां बाद में 31 है और 10 जोड़े तो कितना हो गया 40। तो 40 वाला में से 30 को घटाएंगे तभी बीच का रास्ता आएगा, ऐसे इधर भी होगा और ऐसे इधर होगा, दोनों तरफ होगा, इसीलिए हम दूसरे क्या कर दिए थे, गुणा कर दिए थे। पाई स्क्वायर तो दो दो कॉमन ले तो दो दो कट गया, इधर से दो को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा दो गुना एक बटा दो, तो दो दो कैंसिल, तो ये आ गया। आप इस तरह से देखिए, एक और वीडियो देखिएगा तो समझिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ चलते हैं। बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी और सी डी केंद्र से होकर एक वृत्त बनाया, ये देखिए ये है ए बी, ये है सी डी, यहां पर ओ है, एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ओ डी एक यहां से, ओ से एक डी माना, एक छोटा वृत्त बनाया है, बना दिए। ओ ए ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो सिंपल्स में छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो होगा क्या, छायांकित भाग मतलब ई कलर आर ई आर ई, इतने का निकालना। तो पहले इसको हम समझते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा बच्चों, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। ये हटा दो पहले, इसको सेट कर दो वृत्त का, देखो ये 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले छोटा, अभी कह रहा है कि ये वो कलर है, ये वृत्त है, तो इसी में वृत्त है बच्चों, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, तो ये भी 7 है ना, तो टोटल व्यास 14, इस भी 7 होगा क्योंकि वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, ये 7 हो गया, तो इधर भी तो 7 होगा, तो ये 7 होगा, इसका क्या वृत्त का व्यास, इधर से ये वृत्त का व्यास, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा छोटका का 7/2, है ना, ये देखो यह है ना, ये क्या है, इधर 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7, तो इसका 7 का आधा क्या हो गया 7/2, क्या हो गया आधा त्रिज्या, ये पूरा व्यास है ना, छोटा छोटा छायांकित भाग छोड़ रहा, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका कलर इसमें को कोई मतलब है नहीं, बस ये रंगल भाव निकालना है, निकाल लिए। अब हमको ये निकालना, अब इस फिगर को ऐसा समझिए, इधर वाला पार्ट से कोई मतलब ना, अब इसको एक अर्धवृत्त ऐसे बना देते हैं, इधर वाला एक गोल वृत्त था, इसका तो निकाल ही लेंगे, क्या रंगा हुआ भाग को निकालने का रहते, तो क्लियर हो गया, इसका त्रिज्या से पता चल गया। अब ये है, तो ई अगर 7 है तो टोटल क्या 14, तो इसका व्यास कितना हो गया बच्चों 14 सेंटीमीटर, यहां से एक ऐसा खींचा और एक यहां से खींचा, ठीक है, यही खींचा और ये देखो तो एक त्रिभुज लग रहा है इधर से इधर, ये आधार, आधार कितना है 14, ये क्या लंब, तो हम त्रिभुज का निकाल लेंगे, अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये अर्धवृत्त में से घटाएंगे तो ये बचेगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा अर्धवृत्त है, इसको आप मिटा लीजिए, अभी ये तो हम निकाल लिए था, अभी देखो अभी पूरा अर्धवृत्त में से त्रिभुज को घटाएंगे तो आ जाएगा, तो ये पूरा क्या है 14, इसका लंब कितना है 7, अगर इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया जाए, इसको ऐसे, तो देखो तो ऐसे है यहां पे, ऐसे ये तो 14 हो गया, घुमा दिया, आइए आपका लंब हो गया कितना 7, तो ये पूरा अर्धवृत्त में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, बीच वाला भाग आ जाएगा, पूरा अर्धवृत्त में से इसको हटा दिए, अब इसको मिटा देंगे तो क्या बचेगा, ये ना, इसका निकाल लेते हैं, तो प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट कर दिया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर, छोटा है लेकिन फॉर्मूला तो वही होगा ना, अर्धवृत्त ना,
ये क्या अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा टू और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई 22/7 छोटे वृत्त का त्रिज्या 7/2 × 7/2 जोड़ 22/7 1/2 को बाहर कर देते हैं यहाँ इसका त्रिज्या कितना है बड़े वृत्त का तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या है 7 है ना इसी से ना एक वृत्त बना था ऐसे तो 7 तो 7 × 7 1/2 आधार कितना है 3 है पूरा आधार और ऊंचाई देखो लाभ ऊंचाई किसको कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है बेटा परपेंडिकुलर किसी सीधी रेखा पे एक 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग ऊंचाई के रूप में देखते हैं जैसे पढ़ते हैं ना त्रिभुज में ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा करके तो ये देखो 90 डिग्री बनाया ना करके तो ये सामने तो ये हो गया परपेंडिकुलर कितना है 7 अब सॉल्व करो आंसर आ जाएगा 7 × 7 गया 11 × 22 11 × 77 / 2 11 × 22 7 × 7 गया बचा ऊपर ये भी 77 77/2 ये 77 −7 × 14 कितना हो गया 77/49 पहले इसको अंदर वाला पार्ट करो तो 77/2 जोड़ इसको घटाओ तो कितना हो गया 17 × 9 गया तो 8 और 6 × 4 गया तो 2 अब इसको जोड़ दो बिन का तो 2 77 + 56 7 × 13 = 8 7 × 12 = 13/2 अब इसको भागा करिए तो वो हमारा छायांकित भाग का क्या जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा तो करिए भाग 2 से 65 × 6 × 12 = 1 6 × 12 = 1 0.6 × 10 66.5 तो क्या आया 66 का आया क्षेत्रफल ना तो सेंटीमीटर या मीटर क्या में है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये बच्चों आपका अहितना बहुत लंबा वीडियो बन गया है तो आज दो ही प्रश्न रखते हैं आज समय का अभाव नहीं है आज समय जहां वीडियो लंबा बन गया तो दो ही प्रश्न रखते हैं आगे वाले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत वीडियो देखने के लिए थैंक यू